तेजस्वी यादव देखिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव आज इंडिया अलायंस की होने वाली बैठक में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जोरदार हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का 400 पार का दावा चुनाव के पहले दिन ही फ्लॉप हो गया। तो जो तस्वीर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनको सबक सिखाने के लिए आज सातवें चरण में वोट का चोट लोग दे रहे हैं। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए लोग बैठक कर रहे हैं आज ही। अरे इनका कुछ भी है, कुछ भी कहेंगे, टिप्पा टिप्पणी करेंगे। हम लोगों का जो बैठक है टाइमली हम लोगों का होता रहता है, उसमें कौन सा है, पहली और आखिरी बैठक तो है नहीं। हम लोग 300+ रहेंगे। को पता है कि क्या प्रेशर रहता है और किन कारणों की वजह से एक ही लोगों का एक तरफा दिखाया जाता है। खैर उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, साइकोलॉजिकली ये सब किया जाता है, बट इट वोंट बी इफेक्टिव दिस टाइम। बिहार में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपने 250 से ज्यादा कमाया है, मामा बिहार में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिहार में चौंकाने वाला वो फर्स्ट डे फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया उसका फिल्म 400 का। बिल्कुल तेजस्वी का बयान अपनी तरफ, लेकिन की गोद में उनकी बेटी बैठी हुई थी और उस पर ही सबकी नजरें थी और हम भी उन्हीं पर केंद्रित हो गए थे। बयान हमने सुना भी नहीं, लेकिन बयान का मतलब समझ में आ रहा है कि हम आगे निकल रहे हैं, वो लोग पीछे छूट रहे हैं, यही बयानों में है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में बिहार की पाटलिपुत्रा समेत 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस बीच पाटलिपुत्रा के मतदान केंद्र पर पितौर और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने वोट डाला है। देखिए लेकिन इतना मीडिया क्रेज नहीं था मेरे लिए। मेरा वोट है मणिपुर की बहनों के लिए, मणिपुर की बहनों के लिए, मणिपुर की बहनों के आत्मसम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैंने अपना वोट डाला। अपने लिए क्या कहानी, आप जीत रही हैं, कारण से जीत रही हैं मणिपुर? इस बार वहाँ की महिलाओं का, बच्चियों का, बहनों की जीत होने वाली है। ये फोकस्ड है बिल्कुल, रोहिणी आचार्य से जब भी आप पूछ डालिए वो महिलाओं की बात करती हैं, उन समस्याओं की बात करती हैं और कोशिश करती हैं कि उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। और विभा एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी ही पटरी पर हैं, अपनी पिच पर हैं, किसी दूसरी की पिच पर नहीं खेलना है। बिल्कुल, और आप कहीं डाइवर्ट मत होइए, सिर्फ फोकस रहिए अपने केंद्र बिंदु पर, क्योंकि जहां डाइवर्ट होंगे उसका माइलेज कहीं किसी और को ना मिल जाए। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने अपना वोट डाला है। रोहिणी आचार्य की बड़ी बहन है मीसा भारती, इस बार अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। देश का चुनाव है और वो अपने मुद्दों पे, जो जनता का मुद्दा है उसके लिए वोट डाल रहे हैं।